तो हम उसमें कासन अल्लाह हाफिज। हेलो सोया बीबी, हाँ मैं आपसे नहीं बोलता, मैं आपसे नाराज हूँ। तो आप नाराज भी होते हैं? अच्छा बताइए क्यों नाराज हैं आप? क़यामत गुजर गई मुझ पर और आप मेरी मजाक कुर्सी के लिए भी नहीं आ सकी। अच्छा तो क़यामत आ गई। अच्छा ये बताएं कि फैसला क्या हुआ, आपको जन्नत मिली या दोज़ख? ये तो आप मुझसे मजाक कर रही हैं। बहुत करीब से उस कमबख्त शान ने गोली का निशाना लेकर मेरे दिल पर वार किया, वो तो गोली की आवाज दिल तक आई, गोली नहीं आ सकी। मगर गोली आपके दिल तक क्यों नहीं पहुंची? दिल में तो आप बसी हुई है ना, गोली के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। अच्छा भाई आप बातें किए जाएंगे या सबीन से मिलवाएंगे मुझे? आइए सबीन से मिल लीजिए, शायद मेरे सिलसिले में बात करना चाहती है, आइए। जोया साहिबा, खुदा के वास्ते मेरे दिल को किंगर समझ कर मत चबाइए, मेरे पूरे जिगर को पान की पीठ समझ कर मत फूंकिए। आपको मालूम है कि इस स्विमिंग पूल में आधा पानी और आधा है मेरे आंसू। जॉनसन क्या मजाक है, जब देखो उल्टी सीधी आते हो, चलो जाओ अपना काम करो, कुछ उठो। हुआ जो है तुम आ गई, मेरी तुम्हें खुद फोन करने वाली थी। नानी ने इतनी बहुत सी खुशियां दे दी हैं हमें, तुम देखना मैं सदीम की शादी इतने धूमधाम से करूंगी कि सारी दुनिया देख लिया जाएगी। जोया तुम तो मेरी दोस्त हो, तुम तो मेरी तरफ से शरीक होगी ना? अरे शरीक का क्या मतलब है तुम्हारा, शादी का सारा इंतजाम जोया करेगी। जोया तुम इतनी खामोश क्यों बैठी हो, तुम्हें खुशी नहीं हो रही? वो आंटी मैं भी शादी के ही सिलसिले में बात करने आई हूँ। तो फिर बोलो ना। अब मैं क्या बताऊँ आंटी, वो बात ही कुछ अजीब सी है, सब घर वालों ने मुझे ही भेज दिया है बात करने। क्या बात है बेटा, खुल के बात करो। मैंने शजी भाई को कहा था कि आप खुद आके ये बात करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बस तुम ही जाओ बात करने, और फिर ये भी कि ये बात शादी से पहले ही करनी। अरे ऐसी क्या बात है जोया जिसमें तुम इतनी माजरत कर रही हो? देखो सभी, हमारा छोटा सा घर है, उसमें दो खानदान रहते हैं, मैं, दादी जान, अम्मी रफी, और ऊपर वाले हिस्से में चची जान, अंकल और शजी भाई। अब वो लोग ये कह रहे हैं कि शादी के बाद हम सब यहीं आके रहेंगे। अरे बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, हमारा तो घर इतना बड़ा है, मुझे तो एक छोटा सा कमरा आपने लिए चाहिए, बाकी सब सबीन का घर। जोया मेरा घर शजी का घर ही तो है। मैं सोच रही हूँ कि आप लोग कितने अच्छे लोग हैं, और एक वो हमारी है चची जान, शजी की अम्मी, उनकी एक और भी शर्त। शर्त है वो क्या? वो कह रही थी कि शादी से पहले सारी प्रॉपर्टी शजी भाई के नाम करनी पड़ेगी। जी की अम्मी कह रही थी ये बात? सारे घर वाले कह रहे हैं, उन्होंने तो बहुत समझाया कि शादी से पहले ये बातें करना ठीक नहीं है, लेकिन हमारी चाची जान वो कहने लगी जो लड़की घर से भाग के दारुल अमान में रह सकती है उसका हम भरोसा नहीं कर सकते। मैं ये रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो जोया बात प्रॉपर्टी की नहीं है, जो लोग शादी से पहले ही सब कुछ सोच रहे हैं वो लोग बात में क्या करेंगे? देखो सभी अब तुम शजी भाई से ये बात करना मत, था मैं नहीं चाहती कि शादी से पहले माँ बेटे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो। तो फिर तुम खुद उन्हें समझाओ, अगर शजील अभी से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की बातें करेगा तो पीछे मुझे ये नहीं समझ आ रही कि दावर और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। ओहो तुम गुस्सा तो ना हो ना सभी, तुम फिक्र ना करो, मैं एक तरीके से बात कर लूंगी। सुदीन तुम परेशान मत हो, तुम दोनों बैठ कर बातें करो, डिस्कस करो, मैं जाकर तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। अच्छा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि लोग ऐसे कैसे सोच सकते हैं। सारे लोग तो ऐसे नहीं है, बस दादी जान और
सच्ची जानी ऐसी है? उनका तो गुस्सा इतना तेज है कि उनकी मर्जी के बगैर घर में सौदा नहीं आता है। जोया, मुझे एक बार फिर सोचना पड़ेगा। मोहब्बत का ये मतलब थोड़ी है कि आदमी सारी जिंदगी आग में चलता रहे। अरे छोड़ो इन बातों को, चलो कोई और बात करें। वो हाँ, पता है क्या, तुमसे एक साहब मिलना चाह रहे, बड़े अच्छे इंसान है, अब हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो अखबार में ना उन्होंने वो तुम्हारा वो वाक्य पढ़ा था, तो सोच रहे थे कि तुम्हारे इस वाक्य पे एक नॉवेल लिखी जाए, इसी सिलसिले में तुमसे मिलना चाह रहे। सोच रहे थे तुमसे तफसील मालूम कर लेंगे तो फिर नॉवेल लिखने में आसानी हो जाएगी ना। नहीं नहीं, मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी सोया कि मेरी पर्सनल लाइफ जगह जगह घरों घरों में पड़ी जाए। आई एम सॉरी। ठीक है, तो तुम उनसे खुद ही मिलके मना कर देना। जोया, तुम उनसे कह देना मुझसे फोन पे बात कर ले। चलो सही है, ओके प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आंटी क्या हो रहा है? मैं बेटा सब्जी काट रही थी। ये बताओ तुम कहाँ से आ रही हो? वो सुबह सबीन का फोन आया था तो वहाँ चली गई थी। अरे सबीन, क्या तो हमें भी जाना था आजकल में। जरा सोच समझ के ही जाइएगा। क्यों बेटा, क्या बात है? कोई ऐसी खास बात नहीं अंकल, बस यूं ही मुंह से निकल गया। नहीं नहीं, कोई बात है बताओ ना। कोई खास बात नहीं अंकल, बस जैसे हम हमेशा साथ रहे हैं वैसे नहीं रहेंगे। आपसे अलहदा होने का दुख होगा। क्या मतलब हम अलहदा हो जाएंगे? कौन कहता है? वो सबीन की अम्मी कुछ कह रही थी। हाँ हाँ, क्या कह रही थी वो? बस यही कि शजी भाई को घर दामाद बनाएंगी और वो जो सर्वेंट क्वार्टर वाला हिस्सा है ना, वो उनके माँ बाप के लिए रखा है। क्या बकवास कर रहे थे वो? तुमने जूता नहीं मारा उनके मुंह पर? अभी फोन करें और कह दे उन्हें कि हम शजी की शादी नहीं कर रहे वहां पर। नहीं नहीं अंकल, आप गुस्सा ना करें। शजी भाई को पता चलेगा ना तो मुझसे बहुत नाराज होंगे। अब जो हकीकत थी वो तो मैंने आप लोगों को बता दी है। आप लोग मिलने तो जाएं उनसे, फिर देखा जाएगा क्या होता है। मुझे तो ये बहुत ही गिरे हुए जहन के लोग लगते हैं। गिरी हुई जहनियत है तो क्या हुआ आंटी, पैसा तो बहुत है ना उनके पास। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे पैसे पर और उन पर। क्या करें, तुम्हें मालूम है सबीन मुझे कितना चाहती है? और मैं भी तो तुम्हें चाहती हूँ। मैं तो तुम्हें इतना चाहती हूँ कि शायद कोई और चाह ही नहीं सकता। मत करो, लोग क्या कहेंगे? मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। इससे तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। एक बात गौर से सुन लो शजी, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। क्या हो रहा है? सॉरी नहीं तो ये 12 क्यों बजे? अच्छा वो एक काम है तुमसे, वो करना, वो मम्मी बाबा सबीन के घर जा रहे हैं, वो प्लीज तुम भी चले जाना। मैं क्यों जाऊं, तुम खुद जाओ। बस मैंने कह दिया तुम कल जा रही हो, ठीक है? कल 7 बजे रेडी रहना, ठीक है? थैंक यू, बाय जीनी। घर तो माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा है जी। जो कुछ है सब सबीन का ही है।
और शादी के बाद शजी और वो दोनों यहाँ रहेंगे। शादी के बाद शजी और हमारे बारे में क्या ख्याल है आपका? ख्याल क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस आप लोग शजी के साथ यहाँ आ जाए। आंटी कुछ लीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं खाएंगे, हम तो सिर्फ ये कहने आए थे कि कुछ मजबूरी की वजह से हम शजी का रिश्ता सबीन से नहीं कर सकते। क्या कह रही हैं आप? जी मेरी बात सुनो। शजी का ही किया धरा है। जोया तो मुझसे बहुत प्यार करता है। करता है नहीं, करता था। क्या मतलब है तुम्हारा, अब क्या हुआ है? देखो शजी जो है ना अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, और फिर उसके माँ बाप की शहर में इतनी इज्जत है, अब तुम्हारा इस मर्डर केस से ताल्लुक और फिर दारुल अमान में जाके रहना, फिर तुम्हारे वालिदैन का पता ना होना। बस करो जोया, बस करो, फॉर गॉड्स सेक। मैं इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं थोड़ी तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ। इंसल्ट या तो शजी भाई करते हैं या फिर उनके पेरेंट्स। अगर शजी को इनकार ही करना था तो वो खुद मुझसे बात करता है, इनको यहाँ भिजवाने की क्या जरूरत है? बस इखलाक की जरूरत की कमी और क्या। बड़े दावे करता था कि बड़ा ईमानदार ऑफिसर है, सब झूठ। मैं सिर्फ फोन पे बात करूंगी कि आखिर मेरे लिए इतना इंसल्टिंग बिहेवियर क्यों, मेरे लिए क्यों। खुदा के वास्ते ऐसी बातें ना करें। मैं सबीन के वालिद को बहुत अच्छी तरह जानती थी, वो बहुत इज्जतदार शख्स थे। देखिए मैंने सबीन को मां बनकर पाला, लावारिस कैसे हो सकती? अगर लावारिस नहीं थी तो दारुल अमान में क्यों जाकर रही? वहां तो उसको हमने उसके अपने तहफ्फुज़ के लिए भेजा था, शजी ने खुद उसको वहां रखवाया है। वो सारे हालात से आगाह है। हालात का तो सारी दुनिया को इल्म है, एक एक बात अखबारों में छपी है। आपसे एक दरखास्त है, हमारा एक ही बेटा है, उस पर रहम करें। आए बेगम चले। अरे आप प्लीज बैठे तो सही, एक मेरी बात तो सुने। आए बेगम चले तो सही, मेरी बात तो सुने। मामा कोई जरूरत नहीं इन लोगों को रोकने की, मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहती, और ऐसे लोगों से जिनको किसी के घर में आके उनकी इज्जत करनी नहीं आती। देखो इस लड़की की जबान, बुजुर्गों के साथ बात करने की तमीज नहीं है इस लड़की को। जाहिल आया की गोद में पली है ना, अगर माँ जिंदा होती तो इसे तमीज सिखाती। कान खोल के सुन लीजिए आप, ये मेरी माँ है और आपके बेटे की माँ से लाख दर्जे बेहतर है। खबरदार आपने इनको आया या जाहिल कहा। तुम लोगों से वास्ता ही नहीं रखना जब, तो कुछ कहने या ना कहने का क्या सवाल है? चलिए। अल्लाह ये सब कुछ क्या हो गया। यकीन नहीं आ रहा कि वो लोग ऐसी बातें कर सकते। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि दौलत की लालच में तुम इतने अंधे भी हो सकते हो। यार कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका खून, मेरा जिंदगी के बारे में वही रवैया है जो आप लोगों की तरफ से मुझे विरसे में मिला है। मैंने हमेशा इज्जत को दौलत के आगे तरजीह दी। अगर तुम वैसे ही हो जैसे तुम बोल रहे हो ना, तो आज के बाद तुम सबीन का नाम भी मत लेना। हम इस वाक्य को भूलने की कोशिश करेंगे। तुम्हें मालूम है बेटा, उस लड़की सबीन और उसकी माँ ने वो तौहीन नामे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बस बस, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे ये यकीन नहीं आ रहा है कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं कि जो किसी का एहसान मानने के बजाय
उनकी बेइज्जती करें? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने सबीम के लिए, अगर कोई और होता ना तो उसकी नस्ल दर। हाँ बेटा, सभी तरह के लोग होते हैं दुनिया में। हेलो, लो बात करो। उसी सबीम का। मैं किसी सबीम को नहीं जानता, आइंदा वो मुझे फोन करने या मुझसे मिलने की कोशिश ना करे। मेरे ख्याल में तुमने शर्जी का जवाब सुन लिया होगा। मैं तो चली जाऊं, मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। चली जाऊंगी, मैं सिर्फ ये देखने के लिए आई हूँ कि तुम्हारे चेहरे से ईमानदारी, पारसाई और खलूस का नकाब उतरने के बाद कैसा दिखता है। देखो, मेरे माँ बाप ने ये जबान बर्दाश्त कर ली थी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक आवारा और बिन माँ बाप की बेटी ऐसी जुबान इस्तेमाल करेगी ना? मेरी माँ ने कल से खाना नहीं खाया। माँ, उस आया को तुम अपनी माँ कहती हो? वो मेरे हकीकी माँ बाप थे, उनकी जिंदगी में उस आया ने जहर घोल दिया है। खबरदार जो तुमने मेरी माँ को आया कहा। सॉरी, हाँ आया नहीं बल्कि खूनी कातिल। अगर वो सुल्तानी गवाह ना बनती ना तो आज जेल के पीछे फांसी के फंदे का इंतजार कर रही होती। आई से शट अप, यू शट अप एंड गेट लॉस्ट। आई सी यू। बकबक मत किया कर हर वक्त। अम्मी मैं मजाक नहीं कर रहा। सच कह रहे? आप ही ने मुझसे खुद बताया है कि शजी भाई की बात टूट गई है और आप ही चाहती हैं कि शजी भाई से उनकी शादी हो जाए, और मुझसे कहा है मैं दादी से बात करूं। नहीं बेटा, तुम्हें दादी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी आदत तो पता है, सारे खानदान में शोर मचा देंगी। मैं खुद तरीके से समझा के उनसे बात करूंगी। जैसा आप कहें। अम्मी मैं गाड़ी ले जाऊं? गाड़ी तो ले जा, मगर ये यही छोड़ जा। तो आप भी बहुत कंजूस हैं। चल हट जा। क्या करूं? ख्वाब देखा? क्या देखा भाई? हमारी बुजुर्ग खातून ने चेहरे पे नूर बरसाए, सफेद बुर्रा करार, चिकन का सफेद कुर्ता और जहाज जैसा सफेद रेशम का दुपट्टा। आइए तुम्हारी दुल्हन अम्मा होंगी। दुल्हन अम्मा? हाँ दुल्हन अम्मा हमारी सास। आप उन्हें दुल्हन अम्मा कहती थी? मैं उन्हें दुल्हन अम्मा और वो मुझे सिर्फ दुल्हन कहती थी। और लड़ते और भी मजाल है कि दुल्हन के अलावा उन्होंने कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया हो। लड़ती भी थी वो? हेलो, तोबा तोबा, ऐसा वैसा लड़ती थी। हर वक्त उनके मुंह में पान और नाक पे गुस्सा रहता था। और खानदान में तुम्हें कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ उनकी लड़ाई ना हुई हो। मगर अम्मा उन्होंने तो मुझसे बहुत प्यार से बात की। क्या कह रही थी? कहने लगी अपनी अम्मा के पांव दबाया कर। ऐ चलो, अल्लाह का शुक्र है ख्याल तो आया भले मरने के बाद ही सही। एक बात तुम बताओ, एक दफा तुम्हारे अब्बा मेरे पैर दबा रहे थे और उन्होंने कहीं से चुपके से देख लिया। आए है फिर तो भैया मत पूछो, घर में तूफान आ गया, पूरा घर उन्होंने सर पे उठा लिया। ऐ तो वह उसके बाद तो फिर उन्होंने उनका नाम ही जोरू का गुलाम रख दिया। लेकिन अम्मा उन्होंने तो मुझे एक खास बात कही है, बल्कि हुक्म दिया है। क्या? कहने लगी अपनी अम्मा से कहो सारा दिन पान ना चबाती रहा करे, घर में ढोल बजवाने का इंतजाम करे। ये तो उन्होंने बड़ी
अच्छी बात कही, लेकिन क्या करूं, अच्छे खासे उसके कौन है वो बब्बन साहब, उनसे जो है बातचीत हो रही थी लेकिन बब्बन ने इनकार कर दिया। और अम्मा उन्होंने मुझे इशारा दिया है कि शजी का रिश्ता भी टूट गया है, अब जोया और शजी दोनों की शादी कर दो। ये कहा है उन्होंने? हाँ अम्मा, और जब सुबह मैंने पता किया ना तो बात सही निकली उनकी। उनका हुक्म है कि जोया और शजी की शादी घर के घर में होनी चाहिए। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई, मैं तो जोया की तरफ से बहुत परेशान थी। मैंने नहीं, आपकी दुल्हन अम्मा साहिबा ने। हाँ वाकई, अरे पहली बार उनकी किसी बात से मुझे खुशी हुई है, और तुम्हारे अब्बा मरहूम भी बहुत खुश हो रहे होंगे। अम्मा तो आप शादी का ऐलान कर देना। नहीं बेटिया अभी नहीं, पर ये हमारे वाला जमाना नहीं है, पहले हम जरा दुल्हन से पूछ तो ले ना। पान तो तुम खा लो। आदाब। मुझे मिस जोया से जी। आपका नाम? सबीना। जी मिस जोया, कोई मिस सबीना आपसे मिलने आई है? जी जी भिजवाइए। ओके, यहाँ से स्ट्रेट जाके लेफ्ट से। हेलो। अरे सबीत, तुम आओ ना। कैसे आना हुआ? कम क्या पियोगे? कोल्ड ड्रिंक मंगवाते ना। जोया और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ग्लास पानी पिलवा दो। एक ग्लास पानी लेके आओ। और बताओ कैसे आना हुआ? मैं वो शजील के दफ्तर गई थी। अच्छा, फिर? कुछ नहीं, अब मैं बस अब मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखूंगी। शुक्र। तुमने ये क्यों कहा? मेरा मतलब है सबीन, मैं समझ रही हूँ तुम उसका मुंह तोड़ दोगी, मगर ये मामला तो सिर्फ बातों तक ही रहा ना, इसीलिए शुक्र अदा कर रही थी। देखो ना, कल उसके माँ बाप ने मेरी मामा की कितनी तोहिन की, और वो ये कहता है कि मेरी मामा ने उसकी पेरेंट की बेइज्जती की है। तुमने बताया नहीं जोया उसको सारी बात, क्या हुआ था? सबीन मैं तो बताना चाह रही थी मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। देखो जब वो लोग तुम्हें किसी हाल में भी कबूल करने को राजी नहीं है तो फिर बात करने का क्या फायदा? आखिर तुम्हारी भी तो कोई इज्जत है ना, मतलब ये तो बस। क्या अंधे हो गए हो क्या? सर आप पानी क्यों ले? सर मैंने आपने गलती से इंटरकॉम पर मेरा एक्सटेंशन दबा दिया था, और वैसे भी पानी पिलाना तो स्वभाव का काम है। सबीन ये मेरे बॉस है मिस्टर अहमद। अहमद साहब ये सबीन है जिनका जिक्र मैंने किया था ना। I'm sorry, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, और पानी तो नहीं पियेंगे? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं चपरासी से कह दूंगी। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, आप लोग बातें करें फिर बात करते हैं। ओके। अजीब आदमी था वैसे। अजीब ही है, पल में तोला पल में माशा, कुछ पता नहीं चलता इनका। जोया मैं अब शर्जिल को कभी फोन नहीं करूंगी, और अगर उसने तुम्हारे साथ कभी जिक्र किया ना तो तुम उसे कहना कि ये रहने दो, मैं चलती हूँ। सबीन वो एक काम करना चाहते हो, जरा अहमद साहब से मिलती हुई जाना, वो अभी तुमने उनको डांट दिया था ना, बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। प्लीज। हाँ ओके, मैंने सॉरी कह दिया। बाय। अरे आइए आइए, तशरीफ रखिए। मैं जा रही थी, सोचा आपसे एक दफा फिर माफी मांगूं। एक्चुअली मुझे पता नहीं था।
बस यूरोप में माफी मांगने का तरीका बड़ा आसान होता है, चाहे जितनी बड़ी भी गलती कर दो आई एम सॉरी कह के टाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में माफी मांगने वाले और जिससे माफी मांगी जाए उसे कुछ असूल होते हैं। कहिए, मैं हाजिर हूँ। बैठिए ना। आज जरा मैं जल्दी। देखिए उसूलन आपको उस वक्त तक नहीं जाना चाहिए जब तक मैं आपको माफ न कर दूं। ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। मजाक अपनी जगह। मिस अमीन, मैं काफी दिनों से आपसे मिलना चाह रहा था, शायद मिस जोया ने आपसे जिक्र भी किया। वो तो किसी राइटर के बारे में कह रही थी जो शायद मुझ पे कोई नॉवल लिखना चाहते हैं। तो क्या आप समझती हैं मैं इस काबिल नहीं हूँ? देखिए, मैं आपके बारे में जो कुछ भी लिखूंगा आप उसको पढ़ लीजिएगा, अगर आपको पसंद ना आए तो मैं फाड़ के फेंक दूंगा। नहीं अमर साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं इस काबिल कहां कि मुझ पे कुछ लिखा जाए। खैर, इसका फैसला तो बाद में होगा, पहले आप ये बताइए कि हमारी पहली मीटिंग कब हो रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि वक्त और दिन आपकी पसंद से और जगह मेरी पसंद से। मैं टेप रिकॉर्डर लेकर आऊंगा, आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा। देखिए अमर साहब, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, वक्त और दिन बताइए। ठीक है, मैं आपको फोन पे बता दूंगी, मैं जरा अपनी मामा से भी मशवरा कर लूंगी। फोन पर नहीं, परसों आप मेरे साथ खाना खाएंगी और वहीं पर प्रोग्राम तय हो जाएगा। अमर साहब, मैंने आपको कहा ना कि मैं अपनी मामा से मशवरा कर लूं। तो ठीक है, आप पूछ लें मामा से, परसों मैं आपके घर आ जाऊंगा, आपकी मामा से भी मिल लूंगा, फिर हम वहीं से कहीं खाना खाने चले जाएंगे। ठीक है, अब इजाजत है। जी, अब आपकी माफी भी कबूल कर ली मैंने। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अरे दुल्हन कहाँ हो? आए मेरे मौला, ये क्या मुसीबत है पैर मेरे। आए, अरे अमीजान, आपने क्यों जहमत की, हमें बुला लिया होता। सुनिए, देखिए अमीजान आई है। यहाँ तो शुरू बेटा, पान और पान नान के साथ तो तखत पे ही बैठने का मजा आता है, सोफे पे तो बैठ के ऐसा लगता है जैसे रेल की गाड़ी में चले जा रहे हैं। अरे मेरा बच्चा जीता रहे जीता रहे। अरे अम्मी जान, आप आती हैं तो यहाँ रौनक आ जाती है, आप आती रहा करें ना। मेरा तो बड़ा दिल चाहता है मगर ये पैर के आरते ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। अब ये तुम्हारी सीढ़ियाँ, चढ़ते चढ़ते तो मैं हल्का हो जाती हूँ बच्चे। अम्मी जान, लगता है कोई खास बात करने आई हैं आप। हाँ अम्मी जान, खैरियत तो है? हाँ बेटा, सब खैरियत है। अदुलन, सुना तुमने शजी के लिए कोई लड़की देखी? हमने क्या देखनी थी, वो तो शर्जी ने देखी थी, हमें तो वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए। शर्जी ने कहा था तो हम देखने चले गए, तो फिर बस हमने मना कर दिया। अम्मी जान, दौलत ने बहुत मगरूर कर दिया है उन्हें, शर्जी को घर दामाद बनाना चाहती थी। तो फिर बात खत्म हो गई? हाँ अम्मी जान, तकरीबन खत्म हो गई। अंजुलन देखो भाई, एक बात सुनिए, चबा चबा के बातें ना करो, जब बात खत्म होगी तो खत्म होगी। अब ये बताओ, क्या बेटे को घर दामाद बनाने का इरादा है? अम्मी जान, कैसी बातें कर रही हैं? देखो भाई, तुम लोग जो जो कुछ करते रहे ना, मुझे सब बातों का इल्म था, लेकिन मैं चुप रही, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। हाँ हाँ अम्मी जान, बोलना क्या, आपका तो एक एक लफ्ज हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। बेटा मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मेरी बात नहीं टालोगे, लेकिन मैं इन दुल्हन की वजह से कह रही हूँ। मैं पूछती हूँ, घर के रिश्ते में तुम्हें क्या आ रही है? अभिजन, आपका मतलब जोया से है? और नहीं तो क्या, माशाल्लाह हसीन है, पढ़ी लिखी है, और मुझे लगता है कि शशि भी उसे पसंद करता है। हाँ अभिजन, हम भी यही चाहते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो फिर मसला क्या है, जब घर में किसी को एतराज नहीं है तो? हम तो तैयार हैं अभिजन, बस जरा शशि से और पूछ लीजिए। शशि कहाँ गया, दफ्तर गया? हाँ हाँ, बस आने ही वाला होगा। तो ठीक है, इतनी कोई जल्दी नहीं है, जब शशि आ जाए ना तो उसे अपने नाम से बुला के अपने पास बिठा के, आए हाय खाली पैर तो भाई अजाब है मेरे लिए, आए आराम से उसे बुला के पूछ। आप ही, आप फिक्र ना करें, दादू जानी जिस काम के पीछे पड़ जाए वो हो के ही रहता है। आप ही, आप बात करें, मैं जरा ऊपर का राउंड मार के आता हूँ। हाँ हाँ।
हेलो सोया बीबी बोल रही हैं। बब्बन मियां। चलो शुक्र है आपको मियां कहना तो आ गया ना। हाँ वो बताइएगा कि आपके पीर साहब कैसे हैं, कहाँ हैं? पीर साहब तो बहुत खुश हैं। वो कह रहे थे कि आधा काम हो गया है, आधा काम होना बाकी है। क्या मतलब? मतलब ये कि शजी और सबीन का रिश्ता तो टूट गया। अब सोया और शजी का रिश्ता होना बाकी है, वो भी जल्दी हो जाएगा। मेरी तरफ से पीर साहब का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। नहीं नहीं ये तो आप खुद ही करिएगा, मैं उनसे जरूर ये कह दूंगा कि आपकी मेरे से मुलाकात हुई है। बस बब्बन मियां ये काम करा दीजिए। अरे हाँ वो आपको मैं एक बात तो बताना भूल ही गया था जिसके लिए मैंने फोन किया था। क्या कोई खास बात है? आपको पता है वो जो आपके बॉस है ना, कल सबीन को लंच पर लेके जा रहे हैं। अच्छा आपको कैसे पता चला? आपके बॉस ना सब कुछ पीर साहब को बताते हैं। आप पता है क्या करें, किसी बहाने से ना शजी को ले जाएं वहां पर और उसको दिखाएं कि जो सबीन है ना वो आपके बॉस के साथ चक्कर चला रही है। अरे बाप अब्बन साहब बड़े काम की बात बताई आपने। भाई वही कहिए ना बब्बन मियां। ओहो हाँ वही बब्बन मियां। ये बात हुई ना। अरे किबला आप यहाँ कर, मैं खुद आ जाता अगर आप कहते तो। पीर साहब यहाँ आ गए मेरे घर पे, मैं आपको बाद में फोन करूंगा। ओके ओके ठीक है। खैरियत ही तो नहीं है वो, मैं होटल के बाहर खड़ी हूँ, गाड़ी खराब हो गई है, बस आप जल्दी से आ जाएं। सॉरी सोया मैं तो नहीं आ सकता, तुम ऐसा करो गाड़ी वहीं लॉक कर दो और टैक्सी से आ जाओ। तो आपका क्या ख्याल है कि मेरे दिमाग में बात नहीं आई होगी? नहीं मिल रही ना मुझे यहाँ कोई टैक्सी और ऊपर से मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो रही है, बस सब कुछ छोड़े और आ जाएं। अच्छा अच्छा गुस्सा मत हो मैं आता हूँ। कितनी देर में? अभी उठ रहा हूँ, फौरन उठ रहा हूँ और क्या। अच्छा मैं ऐसे करती हूँ कि गाड़ी लॉक करके ना लंच रूम में होंगी, वहाँ आ जाइएगा। अच्छा ठीक है, तुम पर एक जुर्माना होगा फिर, वो ये कि तुम्हें मुझे लंच पर ले जाना होगा। डन। अरे आप आए तो लंच क्या, मैं तो आपको कॉफी भी पिलवाऊंगी। ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ, बाय। ओके जी खुदा। देखिए मिस सबीन, मेरे नॉवेल के तमाम नाम फर्जी होंगे, इलाके डिफरेंट होंगे, जगहें दूसरी होंगी और दौर भी 20 साल पुराना होगा। मेरे ख्याल से आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी को ये नहीं पता चलेगा कि ये नॉवेल आपकी जिंदगी के बारे में। देखिए अमर साहब, मैं ना तो किसी से डरती हूँ और ना ही मुझे इस बात की परवाह है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं तो सिर्फ ये नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी की दुश्वारियां और परेशानियां एक्सपोज हों, लोग उसके बारे में जाने। एक्सपोज कहां से हो रही है जब मैं आपका तस्करा ही नहीं कर रहा हूं, और वैसे भी उसके पेश लफ्ज में मैं आपके बारे में कोई जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन मुझे तो पता है कि ये मेरी कहानी है। मेरे ख्याल में तकलीफ के चीजों को बार बार दोहराने में अपने आप को ही तकलीफ होती है। लेकिन अखबारों में तो तमाम कहानी छप चुकी है। अखबार की बात तो लोग एक दिन पढ़ते हैं भूल जाते हैं, नॉवेल्स का सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता है, तारीख बन जाता है। मेरा ख्याल है कि आप इस ख्याल को दिल से निकाल ही दीजिए। ठीक है मिस सबीन, मैं ऐसा करूंगा कि अखबार की इंफॉर्मेशन से कहानी लिख दूंगा।
लेकिन आप इतना जरूर करें कि जो भी सवाल मेरे दिमाग में कम से कम उनके जवाब आज जरूर दे दें। ठीक है, आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए। अभी तो नहीं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हम एक दफा फिर मिलें। मैं तमाम सवाल अगली दफा लिख कर लाऊंगा। मेरे ख्याल से आप मुझे अगली दफा मिलने का टाइम दे दें। नो प्रॉब्लम, आप जोया को बता दीजिएगा। नहीं नहीं, मैं आपको खुद फोन कर लूंगा, क्योंकि मैं इस मामले में सोया को भी बीच में लाना चाहता हूँ। अरे आपने तो कुछ खाया नहीं, प्लीज और लीजिए ना। नहीं नहीं, मैंने बहुत खाया। नहीं आप खाए प्लीज। थैंक यू। मुझे वहां बुलाकर खुद यहाँ बैठी हुई हो, कम से कम फोन ही कर दिया होता। मैं होटल जब गई थी ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया था, मैं एक मिनट भी वहां नहीं रुकी, फौरन वापस चली गई। क्यों? लंच रूम में गए थे आप? हाँ गया था। किसको देखा वहां? हाँ सबीन थी। मालूम है किसके साथ थी? कौन था? मेरे बॉस के साथ, अहमद साहब के साथ थी। शजी भाई बात तो अब समझ में आ रही है मेरे। क्या? मैंने अभी फोन किया था अहमद साहब को सबीन के बारे में पूछने के लिए। बहुत सीरियस है सबीन के साथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओफो, आप तो अहमको की जन्नत में रहते हैं। आपको पता है अहमद साहब क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मुझे बस अपनी वालदा का इंतजार है कि वो यूरोप से आ जाए तो शादी की बात में पक्की कर लूंगा। मगर सभी ने मुझसे जिक्र नहीं किया। वो इसलिए कि वो आपके जरिए सारे मामला हल कराना चाहती थी, और जब सब कुछ ठीक हो गया तो आपको दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। खैर छोड़े इन बातों को, आपको क्या परवाह। तुम ठीक कह रही हो। अच्छा वो मैंने आपको लंच का कहा था तो वो तो नहीं हो सका, तो चले डिनर पे लेके चलो। हाँ चलो। अब तो मैं अम्मी को बता के आती हूँ। हाँ एक मिनट, मैं बस पर्स भी लाऊं और अम्मी को भी बता दूँ। हाँ एक मिनट। अच्छा बेटा ये बताओ कि कल सुबह तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कल ऑफिस नहीं, सबसे पहले तुम मुझे उस लड़की से मिलवाओगे जिसका तस्करा तुम बार बार करते थे, क्योंकि मैं ये मामला अब फाइनल करना चाहती हूँ। कमाल करती हैं अभी आप। पहले तो मैं वहां जाऊंगा, आपके बारे में बताऊंगा, उनसे टाइम लूंगा, फिर जाइएगा। तुम उस लड़की को जानते हो, वो तुम्हारे दफ्तर में काम करती है, तो फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? ऑफिस में काम करने वाली लड़की, ये मम्मी क्या कह रही है? वो अम्मी ऑफिस में वो काम नहीं करती, आती जाती रहती है। हाँ वो आती है, आती रहती है, जाती भी है। जाती भी है, जाती भी है। वो एक्चुअली ऑफिस में आती है, शी गिव्स अ हेल्पिंग हैंड, बस मदद करती है इसके अहमद के काम में, और कुछ नहीं है। क्या नाम है उसका? सबीन। सबीन नहीं, ये नाम नहीं था उसका, शायद उसका नाम था जोया। जोया प्यार से कहते हैं। ओ, तो प्यार से उसका नाम भी बदल गया। नहीं नहीं, नाम मैंने नहीं, ये मेरा मतलब है सिर्फ मैंने नहीं बल्कि बहुत सारे
सारे दफ्तर वाले मिलके कहते हैं जब आती है ना दो यार सब मिलके। बहरहाल जो भी हो तुम उसको बता दो कि कल मैं उनके घर वालों से मिलने आ रही हूँ। लेकिन एक बात सुन लो, अगर मुझे वो लड़की या उसके घर वाले पसंद नहीं आए तो मैं हरगिज शादी नहीं करूंगी। कैसी बातें करती हैं आप, आपकी इजाजत के बगैर मैं कभी शादी कर सकता हूँ? नहीं ना, मैं उनसे टाइम ले लेता हूँ, फिर जब जो भी वो टाइम देंगे आप चले जाइएगा। क्यों तुम नहीं चलोगे? मैं क्यों जाऊंगा, फर्नांडिस जाएगा ना, मुझे तो उन लोगों ने देख ही रखा है। जी मैं चलूंगा, अभी तक उन्होंने मुझे ही देखा है। शादी तुम करोगे या फर्नांडिस? शादी तो कोई भी कर लेगा, मेरा मतलब शादी तो मैं ही करूंगा, लेकिन आपके साथ कोई भी चले जाएगा। सबीन बीवी सारे सवाल हो गए, अब आखिरी सवाल ये बताइए कि अगर अब कोई ऐसा रिश्ता आए जो हर लिहाज से मौजूद है तो क्या आप उससे शादी कर लेंगे? देखिए मैंने आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताया है, मेरी जिंदगी में जो एक इमोशनल पीरियड था वो बहुत छोटा था लेकिन बहुत मजबूत, मैं उसको कभी नहीं भुला सकती। पर अगर कोई शख्स आपको बहुत चाहता हो और आपसे शादी करना चाहता हो तो क्या उसकी बिल्कुल कदर नहीं करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप, शादी करने और कदर करने में बहुत फर्क है। मैं उसकी दिल से कदर करूंगी लेकिन शादी उसी से करूंगी जिसको मैं पसंद करती हूँ।